तो अटल जी की भतीजी को सुना, उनका कहना था कि एक बार फिर से उनको भाषण देते हुए वो सुनना चाहती हैं, और अपने संवाददाता आदित्य का रुख करना चाहेंगे। आदित्य, किस तरह से दुआओं का दौर जारी है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करें तो निश्चित तौर से अटल बिहारी वाजपेयी का एक दौर रहा है और एक जननायक के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जाने जाते हैं, जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से अटल बिहारी वाजपेयी की जब तबीयत खराब थी और आज भी जब लोगों को इस बात की जानकारी लग रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ज्यादा गंभीर हैं, तो एक अलग ही जो होता है लोगों के चेहरे की जो भाव होते हैं वो बदल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दिली लगाव अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये बड़े गौर करने वाली बात है कि इस वक्त हम इंदौर के बीजेपी कार्यालय पर मौजूद है और आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, पूरा कार्यालय का ये वो मंच है जो अक्सर नेताओं से भरा रहता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भरा रहता है, लेकिन ये पूरा खाली है। और यहां पर एक तस्वीर चस्पा की गई है जिसमें नरेंद्र मोदी हैं, शिवराज सिंह हैं, राकेश सिंह हैं और अमित शाह हैं। इसके अलावा भी बात की जाए तो इंदौर के बीजेपी कार्यालय में आपको मैं दिखाना चाहूंगा, यहां पर तमाम जो नेता हैं उनके जो है तस्वीरें चस्पा की गई हैं, जिसमें कई तरह के छोटे बड़े नेता हैं और सबको जगह दी गई है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक भी तस्वीर नहीं है, और ना ही लंबे समय से अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो उनका स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे और एम्स में भर्ती थे, ये बात सर्व ज्ञात है, सबको पता है। लेकिन बावजूद इसके कोई किसी तरह की कोई हलचल जो है इंदौर बीजेपी कार्यालय या इंदौर शहर के अंदर इस तरह की नहीं देखी है, जिसमें कहीं दुआओं के दौर की बात की जाए या बीजेपी कार्यालय की बात की जाए जहां पर जो नेता होते हैं वो अटल बिहारी को याद करते हुए उनके लिए कोई जो स्वास्थ्य लाभ के लिए कोई प्रार्थना करें, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये पूरा कार्यालय जो भरा रहता है अमूमन, इन सबको शायद पता होगा या इन्हें पता ही ना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी गंभीर हैं और बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति में है। तो पूरे कार्यालय में जिस तरह का होना चाहिए, देखिए तकरीबन 10:30 बज रहा है और एक 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 उपयुक्त समय होता है जब कार्यकर्ता अपनी आमद दर्ज करा सकता है कार्यालय पे, लेकिन यहां से लेकर पीछे तक आप देख सकते हैं पूरी शांति है। बड़े आश्चर्य की बात है, जन नेता है जो जननायक जिसे भारतीय जनता पार्टी का एक शीर्ष नेतृत्व कहा जाता है जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि बीजेपी के आप वहां पर दफ्तर में हैं और इस वक्त जिस नेता ने बीजेपी का कद इतना बड़ा कर दिया।